अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं मुर्गी की गर्दनें, सही है? अच्छा, अब ये मैंने 2 स्पून जो है लाल मिर्चें ले ली हैं, 2 स्पून मैंने धनिया लिया है पिसा हुआ, और लाल नमक लिया है 2 स्पून। गर्दनें मैंने ले ली हैं, सही है? ये मेरी 1 किलो गर्दनें हैं। इसके अलावा जो जाएगा वो जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, सही है? अदरक लहसुन का पेस्ट, सही है? और इसके बाद जो जाएगा वो प्याज को अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसको पीस लिया है, ये देख लीजिए, सही है? और लेंगे हम ऑयल, सही है? ये सारे मसाले, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और नमक, इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, मेरी याद रखिएगा, मैं जो हूँ कोई भी रिस्क जो है ज़ाया नहीं करती। ये मेरी प्लेट में सारा मसाला लगा हुआ था, उसी को मैंने डाल दिया, सही है? अच्छी तरह से मैंने मसाले को भून लिया है। अब इसके अंदर जो है हम सारी गर्दन इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। देखिए ये मेरा अच्छी तरह से भुन चुका है, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से इसको मैंने भून लिया है मुर्गी को। इसका जो कच्चापन है वो हम अच्छी तरह से निकालेंगे, क्योंकि वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये दही भी अपना पानी छोड़ेगा, फिर हम इसमें ही इसको और थोड़ा सा भूनेंगे, सही? चलो, सही, जो हमने जग में प्याज और दही पीसा था उसका ही मैं उसमें ही पानी डाल के मैंने इसमें पानी डाल दिया, सही है? इसमें देखें एक गिलास हम इसमें और डालेंगे पानी, क्यों कि ये शोरबा बनेगा पतला पतला सा, बड़ा मज़े का होता है। इसमें मैं थोड़ा सा और डालूँगी, समझ लें मेरा 2 गिलास होगा जो अभी मैंने डाला है, और फिर हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे इसके अंदर, सही है? इसके अंदर डाल के फिर मैं इसके अंदर जो है थोड़ा सा उबाल आएगा ना, फिर उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया और आखिर में एंड में डालेंगे गरम मसाला, सही है? ये मेरा हो चुका है सालन, और इसके अब अंदर हम डालेंगे हरा धनिया, सही है? और इसके अंदर हम डालेंगे वो डालेंगे हम गरम मसाला, सही है? ये मेरा हो चुका है ये मेरा हो चुका है रेडी, सही है? अब हम इसका जो चूल्हा है वो हम कर देंगे ऑफ। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप लोग मुझे बताइएगा, अपने कमेंट्स में लिखिएगा। अब मैं चलती हूँ, अपनी दुआओं में आप लोग मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।